मैं आ गई फिर से आपके पास इस फिटनेस की जर्नी के लिए और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को लेके। तो हमने पहले बात की थी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, जिसमें से एक न्यूट्रिएंट फैट्स थी। वो फैट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें खाने में इंक्लूड करना चाहिए। जो हमें बेसिकली जो फैट की ज़रूरत होती है वो होती है ओमेगा 3 की ज़्यादा ज़रूरत। तो पहली एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रांस फैट से दूर रहे। ऐसी फैट्स जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करती है, जिसमें बटर, डालडा, घी, मार्जरीन, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो लो क्वालिटी ऑयल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों से हमें दूर रहना होता है। और हमें घी, मिल्क प्रोडक्ट, सीड्स ऑयल, वो सारी चीज़ों से हमें ओमेगा 3 मिलती है। बट ओमेगा 3 बेसिकली जो हम खाने से लेते हैं वो बहुत कम पड़ती है हमें। हमें वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए हमारे सारे ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए, जैसे हमारी आंखों की ड्राइनेस ना हो, हमारी स्किन ग्लो करे, हमारे बाल अच्छे रहें, हमारी हार्ट हेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी सेल्स की लाइनिंग, हमारी ब्रेन के सेल्स उसी से वर्क करते हैं, हमारी ब्रेन इज़ फुल्ली मेड अप ऑफ फैट्स। तो और हमारी जॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी। तो हमें न्यूट्रिशन में तो वो सारी चीज़ें लेनी ही लेनी है, बट साथ ही साथ में हमें उसे सप्लीमेंट के रूप में भी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम फ्यूचर में आने वाले हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को टाल सकते हैं, हमारी हार्ट को अच्छे से वर्किंग के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, LDL, HDL कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं, हमारी जॉइंट्स को ग्रीजिंग पहुँचा सकते हैं, हमारी सेल्स की लाइनिंग ठीक रह सकती है, हमारी आंखों की ड्राइनेस नहीं आ सकती, अल्जाइमर नहीं हो सकता, हमारी कंसंट्रेशन ठीक रह सकती है और हम बार बार चिड़चिड़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में वो फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओमेगा 3, जिसे हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। एक्चुअली हमें वो खाने में केवल और केवल फिश, सैल्मन और मैकरिन से ज़्यादा मिलता है, अपार्ट फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट्स एंड सीड्स ऑयल एंड घी। बट और वो भी इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कि उसे एक क्वांटिटी में लेना होता है, जिससे कि वो रिक्वायर्ड ऑप्टिमम लेवल हमें मिले थ्राइस अ वीक। वो इतनी फिश लेनी होती है, वो भी दो ही। तो इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप ओमेगा 3 का अपने डे टू डे रूटीन में सप्लीमेंट का एक हिस्सा बनाएं। फिर से याद दिला देती हूँ, सप्लीमेंट इज नॉट मेडिसिन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डे टू डे रूटीन। मेडिसिन से दूर रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो सप्लीमेंट का प्रयोग ज़रूर ज़रूर करें। तो चलिए, फिटनेस की और वीडियोस के लिए, मेरे और इनपुट्स के लिए, आपकी फिटनेस की जर्नी में मैं आती रहूंगी नए नए वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।